बोलो तेजाजी महाराज की। तंबू ऊंचो नहीं हो भाई, और हनुमान जी की मीटिंग में तंबू नीचो ऊंचो नहीं हुए जितने मारे समझ में नहीं आते, और भाई खींचर में मीटिंग में तंबू ऊंचो नहीं हुए तो भाई साहब की इनकी कमी थोड़ी। बोलो तेजाजी महाराज की। हम ठीक है, वो उठने एक आगे धके मीटिंग में उठा तो पड़ियो कि कोई आवाज आई, कोई 3 घंटा उठ मन सुनियो, कोई हेलीकॉप्टर आयो और मुख्यमंत्री आयो, कोई ने आवाज आई कहीं भाई सुबह उठे, कोई हेलीकॉप्टर पाकड़ा अलावा कहीं सुनी चो आपने नहीं सुनी के नहीं होनी चो। वाह बोलो राम सा पीर की। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। खीमसर विधानसभा रा इन उपचुनाव रा मौका ऊपर आज नामांकन रे दिन आज आयोजित इन जलसा में इन सभा में मंच पर बिराजोड़ा इन जलसे रा बींद हमके बीन नारायण जी है भाई। पहल कहते हैं पड़कन नहीं होता, लारे आंगली पैर के लारे लारे फिरता हनुमान जी हमके बींद बन गया है। इन जल से रहा बींद भाई नारायण जी मंच पर बिराजोड़ा भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता और खीमसा लोहावट विधानसभा रा पूर्व विधायक राजस्थान सरकार रा मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब मंच पर बिराजोड़ा, पूर्व मंत्री आदरणीय अरुण चतुर्वेदी साहब, भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय डूडी साहब, आदरणीय जसवंत सिंह जी विश्नोई साहब, आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, संगठन री तरफ इन चुनाव रो काम देखने अटे पधारियोड़ा आदरणीय घनश्याम डागा साहब मंच पर बिराजोड़ा, सारा विधायक गण, भारतीय जनता पार्टी और आरएलपीरा सारा नेता पदाधिकारी, और आज इन देवतुल्य सभा में बिराजोड़ा सारा पिता तुल्य बुजुर्ग हम खीमसर विधानसभा मारो सासर और रह गया जो मैं थासरा वाला ने देखो रामा सामा करना पड़े अटिन बैठा है देखो प्रधान साहब, और मारे काल जारी कोर सारा युवा साथियों आप सब ने खूब 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 धन्यवाद देवन आयो हूं आज, और वो धन्यवाद इन बात रो देवन आयो कि जब लोकसभा रा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी रो गठबंधन हुयो, और उस गठबंधन के बाद में जब चुनाव रो मौको हनुमान जी ने रोड़न की कोशिश करी, मैं मारो चुनाव खत्म होया पछाटे 3 दिन में 30 मीटिंग करी, हर विधानसभा रा क्षेत्र में जार बात करी, और मैं बिनका ने कियो कि भाई अब के मारी इज्जत रो सवाल है, नाक कटेला तो हनुमान जी री नहीं मारी कटेला, और सब हूं पहले धन्यवाद दू आ सासरा वाला ने के खीमसर में लाज रखी, और एक तरफा हनुमान जी ने जीता और नागौर रो सांसद बना रूठे भेजियो, मैं आप सब रो खूब सारो आभार ज्ञापित करूं, खूब अभिनंदन ज्ञापित करूं। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाने वास्ते इन देश रो सम्मान बढ़ाने वास्ते जो 2019 रो लोकसभा रो चुनाव में हनुमान जी री आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर एक इतिहास राजस्थान में कायम करियो, 2014 रो चुनाव राजस्थान में 163 सीटा रा प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी री सरकार बनियोड़ी,
और उन सरकार ना मौका ऊपर जब तीन महीना चार महीना बाद में जब लोकसभा रो चुनाव हुए चुनाव में 25 सीटा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लोग क्यों कि क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और सरकार री बैसाखी माते एक जो है 25 सीटा लोकसभा री आप लोग जीते हो। 2018 के चुनाव में लोगों ने जिन तरह बुलावा में लाया, किसान ने साथ जिन तरह धोखो करियो, इन राजस्थान री युवा शक्ति ने साथ जिन तरह कांग्रेस और कांग्रेस रा नेता धोखो करियो और धोखा में राख और थोड़ी थोड़ी मरता गुड़ता सरकार बना उनमें कामयाब हो गया। सरकार बनी जब हवा में आ गया, लोकसभा चुनाव चार महीना बाद में वापस आयो, हनुमान जी और भारतीय जनता पार्टी एक हुई और चुनाव रो नतीजो राजस्थान में एक नयो इतिहास लिखी जो कि कांग्रेस री सरकार विपक्ष री सरकार होता तक अभी राजस्थान में 25 सीटा मोदी जी री सरकार बनाने वास्ते। मैं जो डटे चुनाव रा मौका ऊपर आयो, मैं एक दिन एक वीडियो देख तो वे हनुमान जी रे सामी जो चुनाव लड़ता कांग्रेस रा कैंडिडेट मारो एक वीडियो आयो कि हमके बीजेपी बोतल माते चढ़गी जो हमें नीचे जाए परवाने ओठा कोनी हो कि भारतीय जनता पार्टी और हनुमान जी की ताकत दोनों मिली है तो हमारो समूल नाश हो जाए, राजस्थान में समाप्ति होगी बिल्कुल। राजस्थान की जनता रे साथ है, राजस्थान रा किसान रे साथ है, राजस्थान रा युवा वाले साथ है। धोखो करने वाली आ सरकार जो कर्ज माफी रे नाम माते धोखो करियो, ए युवा टाबर अटे बैठा है, हमारे सारा भाई है, हमारा कालजारी कोर अटे बैठा है कि जो बीए पास हो, बीएससी पास हो, बीकॉम पास हो, उन्हें सबने महीने 6,000 रुपया देवा। भाई आना शुरू हो जा, कहीं कोई रहा आया तो भाई जोर हो हाथ ऊंचो भाई कर्जो के किसान रा कर्जो समूल माफ कर देवा, राजस्थान में शांति और सुख और अमन और चैन कायम करा। पिछला 6 महीने जो है अखबार उठार देख लो इन राजस्थान में आपे कदम सुनियो भाई के थाना हुए हैं वे पुलिस वाला ने ठोकर गोलियां चला रूठो कोई अपराधी ने ले गया, कदम सुनियो आप कदे आप राजस्थान में सुनियो के एक अबोध लड़की रे साथ है बलात्कार वे और उन्होंने मुकदमो भी पुलिस वाला दर्ज नहीं करे। अखबार उठार राजस्थान रा पिछला 6 महीना रा देख लो, रोज दिन में 3 समाचार छोटी छोटी बच्चियां रे साथ है बलात्कार रा छपे और आ बलात्कार ने संरक्षण देने वाली सरकार खुद रो राज बचाने वास्ते दिल्ली और बीच जोधपुर दिल्ली और जयपुर रे बीच में अपडाउन करे। उड़े दिल्ली में मारे घर रे कने बिल्कुल बराबर वालो घर, एक दिन हनुमान जी घरे आयोडा, मैं हनुमान जी पूछो अटी ने कुण रे, मैं अटी ने रविशंकर प्रसाद जी रे कानून मंत्री और के दूसरी साइड में कौन रहे, मैं के दूसरी साइड में कांग्रेस रा भगवान रहे, तो के कांग्रेस रा भगवान कौन है, तो मैं के अहमद पटेल साहब। रोज शाम रा एक दिन हनुमान जी में दोनों बैठा घरे मारे गेट में तो लाइट लागी, गाड़ी री लाइट दिखी, मैं क्यों भाई आडो खोलो, आडो खोलियो तो एक गाड़ी आई अब देन के माई आई अब देन के बाहर निकल गई पाछ। मैं पूछो भाई काय हो आ गाड़ी किन्नी, साहब राजस्थान रा मुख्यमंत्री री जानो पड़ोस रा घर में अहमद पटेल साहब रे घरे जानो आप रे घरे आ गया। राजस्थान री सरकार राजस्थान रा मुख्यमंत्री खुद राज बचाने वास्ते दिल्ली जयपुर रे बीच में अपडाउन करे। राजस्थान री जनता त्रस्त है, पीड़ित है, शोर वंचित है और राजस्थान री जनता आज जो निर्णय जो गलती उन टाइम आप हुई उन गलती रो पछतावो कर रही है। मैंने आप लोगों का आशीर्वाद हूं पूरा राजस्थान में घूमनो काम करनो लोगों मिलनो मौका मिले। राजस्थान रा एक एक विधानसभा में लोग पीड़ित है दुखी है और एक कांग्रेस रा नेता है ओले ओले कहे कि भाई साहब अबार चुनाव हो जाए तुम्हारे एक पहल के 21 आई हमके 21 नहीं आवे 11 भी माने पता नहीं लगे। जनता पीड़ित है परेशान है और दूसरी तरफ जो आप निर्णय करियो इन लोकसभा चुनाव में हनुमान जी ने जितार भेजा
आज हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया में मनाने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी करिए। पूरी दुनिया आज उन ताकतों और टाइटलों लोह मान रही है। कदे आप कल्पना करी कि हिंदुस्तान रो प्रधानमंत्री अमेरिका में जाए और अमेरिका रा राष्ट्रपति रो हाथ ऊंचो कर ऊपर हाथ ऊपर करके भाई अब की बार ट्रंप री सरकार। कदे आप कल्पना करी हिंदुस्तान रा प्रधानमंत्री रा फोटो है टावर बैठा और सब रे कने मोबाइल है इंटरनेट चाले हूं। मोदी जी पहली जो प्रधानमंत्री है वे भी अमेरिका किया और फोटो देख जो अमेरिका रा राष्ट्रपति रहा हम एक ही करूं बाबा देखो वे आएगी हनुमान जी। और रामायण में जो हनुमान जी आता लंका माते जो गया जो ने जो ऊपर आ गया हमें। और महाभारत रो युद्ध, महाभारत रो युद्ध में जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई एक दिन कोई पूछो महाभारत रा युद्ध में कि भगवान श्री कृष्ण ने पूछो कि थारो रथ जो है इतनी तरह रा सामी योद्धा भीष्म पितामह सामी हा महाराज कर्ण सामी हा उन लड़ाई में थारो रथ जो है एक कदम भी लारे नहीं हटियो वो क्यों नहीं हटियो। इतनी बड़ी लड़ाई में इतना बड़ा बड़ा योद्धा सामी हा थारो रथ ने एक कदम भी पीछे घोड़ा ने एक कदम भी लारे नहीं रखनो पड़े उन कारण का ही हो भगवान श्री कृष्ण कियो कि इन रथ रे माते ध्वजा रे माते हनुमान जी बैठा और हनुमान जी री ध्वजा ऊंची होड़ी इनी ताकत ने कोई भी लारे नहीं कर सके। आज सर रही लोक विधानसभा चुनाव में आप रखने दो चीजा रो मौको है, दो चीजा रो मौको आप रखने। एक तो हनुमान जी री प्रतिष्ठा रो चुनाव है, इन खीमसर रो चुनाव जो है वो हनुमान बेनीवाल री प्रतिष्ठा रो चुनाव है, हनुमान बेनीवाल री इज्जत रो चुनाव है। हनुमान बेनीवाल जब चुनाव लड़तो जब अकेले चुनाव लड़तो उन टाइम भी जितनी इज्जत दाव माते नहीं लागोड़ी। आज हनुमान जी री जो शख्सियत बनी है जो ताकत बनी है और भारतीय जनता पार्टी और हनुमान जी दो यारी सम्मिलित शक्ति जो है उन चुनाव जो है वो हनुमान जी री इज्जत प्रतिष्ठा और उन भविष्य रो चुनाव है। और दूसरी चीज इन खीम सारा लोगों ने कोई हलो पुण्य करेड़ो है वो पुण्य इन वास्ते करेड़ो है कि आपने धर्मशास्त्र में कह के कोई पापी वे कोई दो जो है जो बदमाश वे कोई झूठो वे तो सही आदमी ने वीरो इलाज करने मौको मिले भगवान जो है अधर्मी और विनाश करने मौको धर्मात्मा ने देवे। और वो मौको सब मिले राजस्थान में अगर कोई ने मिलियो है इन 2018 रा चुनाव रे बाद में तो आप खीमसर रा लोगों ने मिलियो है जो संदेश दे सको अटो जो इन अशोक गहलोत री सरकार ने इन कांग्रेस री सरकार ने संदेश दे सको कि राजस्थान री जनता और के रो मानस का ही है राजस्थान री जनता रो मंतव्य का ही है राजस्थान री जनता री भावना का ही है वो संदेश आज खीमसर देवन नो मौको मिलियो। और एक और मौको आज आप लोगों ने मिलियो है अब हर सब वक्ता बात करता 370 री कश्मीर री आजादी री जो कश्मीर में एक देश में दो संविधान लागू हुआ दो झंडा लागू हुआ आपा सब आपा मन में आपा कालजा में इन पीड़ित जब कदे भी इन नागौर जिला में मारवाड़ में जोधपुर में बाड़मेर में जैसलमेर में कोई आपारे घर परिवार रो टाबर कश्मीर में शहीद हो तो आपारे सब रे भुजावा फड़कती सब रे खून खोल तो कालजा में लाए लागती क्यों कश्मीर में आई स्थिति क्यों है इन्हें जिम्मेदार कौन है। आदरणीय मोदी जी उन व्यवस्था ने समाप्त करी और मोदी जी जो इतना बड़ा निर्णय करियो है इन निर्णय पर मोहर लगाने मौको अगर राजस्थान में कोई आदमी ने सब पहली मिलियो है तो वो आप सब लोगों ने मिलियो है कि पहली बार इन निर्णय के बाद में पहला चुनाव में आप तय कर सको और बाद में मोदी जी तक वो संदेश पहुंचा सको कि मैं जो है खीमसर रा लोग आप रे भारतीय जनता पार्टी और इन 370 रा निर्णय रे साथ है। हाँ अब निर्णय फैसलो आप लोगों रे हाथ होनो है। मैं आप सब लोगों ने निवेदन करने आयो कि आज आपारे कने मौको है कि आप इन कांग्रेस री सरकार ने राजस्थान री सरकार ने इन बात रो संदेश दे सका कि राजस्थान री जनता अब अगर चेत जाओ अगला चार साल रे वास्ते नहीं तो राजस्थान री जनता थाने कदे ही माफ नहीं करेला। समाप्त करने वास्ते राजस्थान री जनता कमर कसर तैयार होगी भाई कोई बीमार हो जावे मांदो पड़ जावे तो उन्हें खारी गोली देवा कि नहीं देवा भाई देवा कि नहीं देवा खारी गोली बुखार आवे जगह ने तो हमें एक खारी गोली देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए मांदा तो हो गया देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए
तो खारी गोली देवा कि नहीं देवा? हागेड़ी खारी देवा, थोड़ी कम खारी देवा? हागेड़ी खारी देनी एकदम खारी जहर जड़ी। जो पांचवा ने ठा पड़ जाए चार साल तक तो कम कम ठीक ठीक चली, पच 2023 रो चुनाव आए बलद के देख लो पाच। तो आप लोग अगर सब मारी बात सहमत हो, देखो भाई मने नहीं थोड़ो थोड़ो हम के मने कोई आतो जन रस्ता में बात करता मिनक मारे चुनाव में लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी रे बेटा हम ही चुनाव लड़ता। लोग मैंने रोज डराता कि साहब मुख्यमंत्री बेटो चुनाव लगे। एक दिन मैं हनुमान जी में रात बात करता टेलीफोन में 2:30 बजे, मैं यार हनुमान भाई कह मुख्यमंत्री के इन्हें तो मैं एकलो निपटा दू, इन्हें चिंता मत करो, इन्हें तो मैं एकलो गणो। आ तो अटरी चिंता छोड़ो, आगे धके चिंता करा, आप दोनों बाढ़ मेरी नहीं चिंता करा की कर पार पड़े बाकी की करो उन्नी चिंता करो, इन्हें मैंने एकलो निपटा दू। तो हमें भाई देखो मैं तो पक्की बुलाऊ दे आयो, मैंने अब रास्ता में कोई क्यों के साहब हम क्या अटे थोड़ो जो है नी टेंशन है, तो टेंशन एंशन तो नहीं रहे पक्की बात है, एकदम भचीड़ बुलाणो है जोरदार वालो बुलाणो है। तो दोनों हाथ ऊंचा करो, एक बार मुट्ठी बंद करो, पंजा मत दिखाओ, पंजा बंद दिखाओ, मुट्ठी बंद करो, एकदम मुट्ठी बंद करो जोर और बोलो भारत माता की, भारत माता की, बोलो तेजाजी महाराज की। एक है भाई मनोरता चले, मनोरता तो मैं ही करूं, एक ही बात भगवान से बराबर, बोलो जगदम्बा माता की। बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत साहब, 10 मिनट में हमारे बीच